तो हेलो दोस्तों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालाशिवी एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज 16 अक्टूबर और सेकंड शिफ्ट का पेपर स्टार्ट ही होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते कि मैं यहाँ पर डीडी कॉलेज देहरादून के सामने खड़ी हूँ। इतने सारे स्टूडेंट्स अपनी एंट्री का वेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि एंट्री स्टार्ट हो गई है और जैसे ही 2 बजते हैं, जैसे ही सारे स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, तो हम लोग उनसे इंटरव्यू लेना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ये भी एक्साइटमेंट हो रखी है कि उनके एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस वाले शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो गया। आप साथ ही ये देख सकते हैं कि बच्चे भी बाहर आ रहे हैं, तो चलिए पूछते हैं कि कैसे एग्ज़ाम गया, कैसे पेपर गया। तो हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स और जुड़ी हैं जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ है, तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं कि कैसा पेपर आया। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बॉबी रावत है। तो बॉबी मैम, ये बताइए कि आपका इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट था कि इससे पहले भी आपने कभी किया? फर्स्ट टाइम। ओके, तो आप लेवल कैसा लगा आपको एग्ज़ाम का, इजी, मॉडरेट या टफ? मुझे तो नॉट मच हार्ड, इजी। इजी। और मैम आपका? मेरा ठीक था, नॉर्मल था। नॉर्मल, हाँ जी। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले? मैथ्स इतना हार्ड नहीं था, मतलब जैसे अगर बोले प्रीवियस ईयर से मतलब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको? ट्रिग्नोमेट्री के थे। ओके, और ज्योमेट्री के क्वेश्चन? किसके? ज्योमेट्री के क्वेश्चन? ज्योमेट्री के 2-3 थे, उसमें सर्कल के भी थे। ओके, सर्कल के थे, ट्रायंगल के थे उसमें, और ट्रिग्नोमेट्री के थे 2-3 उसमें। और डीआई से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला, पाई या बार ग्राफ वाले? हाँ, पाई के 2 मिले हैं। ओके, तो पाई के 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप ये बताइए कि आपका करंट अफेयर से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले, आप ये बताइए कि अफेयर में 2020 का इस बार ज़्यादा आया है। ओके, 20 के 2-3 क्वेश्चन आए हैं। 19 के क्वेश्चन देखने को मिले? 1-2 थे उसमें, 1-2। तो आपको कुछ याद है कि कैसे आए होंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन मतलब थोड़ा टफ ही था 19 का, तो पला इतना हमने जितना पढ़ा था जीके में उतना मतलब हमें लगा नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हमने जो पढ़े वो थे उसमें। ओके, और आप ये बता सकते हैं कि अवार्ड से कोई क्वेश्चन? आपको नोटिफाई करते हुए जाना है, ये देखना है कि कम से कम उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन तो आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो अब मैम से ये पूछते हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया या नहीं? कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिला मैम? हाँ, जितने हमने इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन था डिजीज का। ओके, इम्यूनिटी करके कोई क्वेश्चन था उसमें, हाँ वो था एक क्वेश्चन। तो कोरोना वायरस रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आए, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले कोरोना वायरस रिलेटेड। तो आप मैम ये बताइए कि कोई फोक डांस रिलेटेड कोई क्वेश्चन? फोक डांस से कोई नहीं था। नहीं, कल्चर से तो कोई मुझे लगा नहीं। हाँ, उसमें एक वो था, कोई डांस था। ओके, फोक डांस याद है मैम आपको? कौन सा डांस? कुछ डी से नाम था वो, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट के टाइप, नॉर्थ साइड का था वो डांस। ओके, तो नॉर्थ साइड का डांस। और मैम आप ये बता सकते हैं कि कोई योजना रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो कोरोना वायरस के रिलेटेड? नहीं, कोरोना वायरस से कोई नहीं थी, पर एक आ रही थी उसकी, मतलब कोई एनिमल्स कोई डिजीज है, आई मीन उसका एनिमल्स का, उससे रिलेटेड कोई वो बताना था, नाम बताना था। मैम इंग्लिश के क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि इंग्लिश के कैसे कैसे? इंग्लिश का पैसिव था, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स। मैम आपको कोई वर्ड याद है? सेंटेंस का कोई वर्ड आपको याद है? एक वो था, मुझे याद नहीं आ रहा है ढंग से, पर थे उसमें, एडियम्स में थे, एडियम्स भी थे, और वो था पैसिव वॉइस था, एक्टिव वॉइस नहीं था। अच्छा मैम, स्पेलिंग मिस्टेक आपको देखने को मिली? हाँ, वो करेक्शंस कितने मैम? काफ़ी मैम, 4-5। ओके, तो 4-5 स्पेलिंग मिस्टेक क्वेश्चन देखने को मिले। तो मैम आप ये बताइए कि आपका रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? नहीं, ब्लड रिलेशन में नहीं था कोई क्वेश्चन। नहीं, ब्लड रिलेशन से डाइस का था। ओके, डाइस। और डाइस का था, स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्लियर? कोडिंग था, कोडिंग रिकॉर्डिंग था। मैम सीरीज से कोई क्वेश्चन? सीरीज से हाँ, एक क्वेश्चन था। अल्फाबेटिक या नंबर सीरीज? अल्फाबेट तो बहुत थे। मैम अल्फाबेटिक के बारे में मैम बोल रही है, तो आप अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सब याद करके जाइए। तो मैम ये बताइए कि ओवरऑल आपका कैसा गया पेपर? ओवरऑल ठीक है, पर हमने काफ़ी क्वेश्चन छोड़े क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। तो नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए आपको क्वेश्चन को ये नहीं कि तुक्का लगाते जाइए, टाइम देखते चलो, क्योंकि ऐसा ही इन्होंने टाइम नहीं देखा, तो इस वजह से उनके आगे के छूट गए। हाँ, अच्छा, तो टाइम बहुत कम है क्योंकि 1 आवर्स में 100 क्वेश्चन करना मायने बात होती है। तो आपको ये देखना है कि कम जल्दी जल्दी आपको स्पीड अपनी तेज करनी होगी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। तो ये तो बात हो गई कि सिर्फ एग्जामिनेशन का जो हमने एनालिसिस किया। तो आप आज की वीडियो वो 4 बजे अपलोड होगी बालाशिवी एजुकेशन चैनल पे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।